दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हो आजकल बहुत सारे मोबाइल के कैमरा में आप अगर फ़ोटो में नीचे देखेंगे तो शॉट ऑन MI A1, शॉट ऑन वन प्लस जैसे वाटरमार्क्स दिखते हैं। पर अगर आपके पास ऐसा कैमरा नहीं है जिसमें ये वाटरमार्क आता हो शॉट ऑन का, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप आपके मोबाइल में कैसे शॉट ऑन का वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड इट आउट हाउ टू ऐड द शॉट ऑन वाटरमार्क ऑन योर स्मार्टफोन। सो गाइस, सबसे पहले आपको लेना है अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर में आपको जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है शॉट ऑन सैमसंग वाटरमार्क। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हो शॉट ऑन फॉर सैमसंग ऑटो ऐड शॉट ऑन फोटो स्टैम, ये आपको सिलेक्ट करना है और ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है, तो चलिए मैं ये एप्लीकेशन आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसे आपको वाटरमार्क ऐड करना है। तो जैसे आप देख सकते हो ये है शॉट ऑन सैमसंग कैमरा। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन का होम पेज, ये बहुत ही सिंपल होम पेज है जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है लोगो। अगर आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कंपनी के मोबाइल के लोगो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास सैमसंग का ही स्मार्टफोन हो, आप यहाँ पर देख सकते हो सैमसंग का लोगो है, MI का लोगो है, मोटोरोला है, LG है, माइक्रोमैक्स है और बहुत सारे मोबाइल के लोगोज़ यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सैमसंग का लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आता है शॉट ऑन। शॉट ऑन में यहाँ पे सैमसंग के बहुत सारे डिवाइसेस के नेम यहाँ पे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। अगर आपका मोबाइल का नाम यहाँ पे नहीं है तो आप ये ऐड का बटन प्रेस करके आपका डिवाइस का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चलिए मेरा जो डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी J5, तो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय में आप यहाँ पे आपका नेम ऐड कर सकते हो, आपको जो भी नाम चाहिए, आपका नाम या कुछ और नाम आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। और फोर्थ और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एडवांस। अगर एडवांस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है स्टैम्प पोजीशन। तो जैसे ही स्टैम्प पोजीशन आप देख सकते हो लेफ़्ट टॉप, लेफ़्ट बॉटम, राइट टॉप और राइट बॉटम, ये आप जो भी पोजीशन सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर शॉर्ट ऑन का स्टैम्प ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट बॉटम का सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन हम देखें तो स्टैम्प साइज़, आप आपके कैमरा का साइज़, मोबाइल का साइज़, आपकी स्क्रीन साइज़ के हिसाब से आप स्टैम्प का साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मीडियम, लार्ज, XL, डबल XL और ट्रिपल XL जैसे साइज़ यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे XL साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। थर्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट फॉर्मेट का। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शन दिए गए हैं, आप जो चाहे उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गई सब सेटिंग की बात। अभी ये सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप ये जो येलो बटन दिया गया है अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाता है आपका शॉट ऑन का स्टैम्प जो है वो कैसा दिखता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ़्ट बॉटम में आपको शॉट ऑन गैलेक्सी J5 प्राइम बाय हिरेन ये स्टैम्प आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप जो सिलेक्ट करेंगे वो स्टैम्प का प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये तो हो गई सेटिंग की बात। यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो खींच के दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा ऑप्शन है, तो हम कैमरा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं एक ब्लैंक फ़ोटो खींच लूँगा। ये ब्लैंक फ़ोटो मैंने खींच लिया है। फ़ोटो खींचने के बाद
थोड़ी देर के बाद वो प्रोसेस करता है स्टैम्प और आपको एक नीचे मैसेज आता है स्टैम्प एडेड सक्सेसफुली। स्टैम्प ऐड होने के बाद वो मैसेज आने के बाद स्टैम्प ऐड हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो स्टैम्प एडेड सक्सेसफुली। तो अब हम फोटो को ओपन करेंगे। जैसे ही आप लेफ़्ट बॉटम में देख सकते हो यहाँ पे स्टैम्प ऑलरेडी ऐड हो चुका है शॉट ऑन गैलेक्सी J5 प्राइम। तो दोस्तों देखा ये था कितना आसान तरीका शॉट ऑन का वाटरमार्क ऐड करने के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।